वर्चुअल राखी हो या गेट टुगेदर वाली राखी हो, दिस ईयर लेट्स प्रेप फॉर इट टुगेदर. Hi, welcome to a video जहाँ पे I'm going to show you a few experimental and fun makeup looks, a few fun outfits, hairstyle ideas and some gifting options for Rakhi. Let's start with makeup. अब for me, makeup is more of a fun thing, थोड़ा experiment करने के लिए, थोड़े मज़े करने के लिए. So in this video मैं आपको base नहीं दिखा रही because मैं personally इस साल base नहीं करने वाली. I'm just going to try like a fun eyeliner, like glitter या तो कुछ fun सा lip. अगर आपको base के साथ पूरा glam makeup देखना है तो I'll link other get ready with me that we've done पहले. But for this video, let's start. Trend number one, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, is of colorful eyeliners. Now I know it's not possible to have सारे colors में eyeliners, so I'm going to show you two options कि या तो आप contrast में eyeliner कर सकते हो, या तो आप same में कर सकते हो अगर आपके पास है. अभी मैंने फिलहाल green पहना हुआ है, but Indian में blues और purples काफी common होते हैं. So I have these four eyeliners from Cuffs and Lashes, and इसमें से I think the blue one would probably come most useful for Indian look. तो अगर आप कोई blue कुर्ती पहन रहे हो, या अगर आप blue denim के साथ कुर्ते पहन रहे हो, तो I think you can easily do this eyeliner. मुझे तो टेप के साथ करने की आदत हो गई है अब, so I'll just show you with that. तो रेडी होते होते आई डू प्लान टू टॉक टू यू जस्ट इन जनरल अबाउट माई रिलेशनशिप विथ माई फर्स्ट कजिन माधव. वो मेरे पापा के सगे भाई का बेटा है, बट मेरे सिबलिंग जैसा ही लगता है वो. कफ्स एंड लैशेज के आईलाइनर्स बहुत ही पिगमेंटेड है. एक ही स्ट्रोक मैंने करा है एंड पर्सनली आई डोंट थिंक सेकेंड कोट की रिक्वायरमेंट है. एंड इन जस्ट 30 सेकेंड्स अपना आई लुक हो चुका है. इवन तो मैंने ग्रीन पहना है, फिर भी ब्लू इतना सुंदर लग रहा है अलॉन्ग विद दिस आउटफिट. एंड यूजुअली जब मैं ब्राइट आई लाइनर्स करती हूँ, आई प्रिफर डूइंग अ न्यूड सा लिप, लाइक नॉट वेरी हैवी. सो ये पैलेट है स्विस ब्यूटी का, जो मुझे काफ़ी वर्सेटाइल लगता है, स्पेशली फॉर द फेस्टिव सीजन, क्योंकि इफ़ यू वॉन्ट टू गो बोल्ड और रेड और डार्क, वो भी शेड्स है एंड न्यूड शेड्स भी है. सो आई थिंक आई वुड गो विथ समथिंग लाइक दिस, स्लाइटली पिंक बट न्यूडी. And that's it. That's the first look. Just two products, but it's definitely adding a fun element for just, you know, celebration and festive vibe आ रहा है. Basically, इस video में मुझे क्या message देना था कि how it's normal कि बिना बालों को straighten किए, curl किए जीना एकदम normal चीज़ है. वैसे I want to pass it on कि कितने भी pimples, breakouts क्यों ना हो, it's normal to just have a skin like that. I feel like it's more magical कि अगर skin में कचरा जा रहा है तो skin अपने आप उसको in the form of these pimples is throwing out. That is why personally I've decided to not do a glam look this festive. I'm not saying कि मैं कभी भी glam look नहीं करूँगी. Foundation लगाना बुरा नहीं है. It actually gives a good base to experiment with different blush techniques, highlighter techniques. But I want to normalize कि if you have dark circles, it's not compulsory to hide it basically. छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है. Now let's move on to the second look. So the first question is, did I tell my sibling about my relationship and when did I tell him? I'll answer that. But first I want to introduce you to second trend जो मुझे बहुत पसंद है, which is लिक्विड ग्लिटरी आई शेडोज. इट्स वन प्रोडक्ट जो ना पूरा लुक को रिवैम्प कर देता है और एकदम नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है. मुझे ग्लिटर बहुत पसंद है. सो आई हैव अ लॉट ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स, पर मेरे सबसे फेवरेट दो जो शेड्स रहे हैं वो है पोलरिस पीच बाय निका के एंड 03 शैम्पेन बाय स्विस ब्यूटी. ऑल आई डू इज टेक सम ऑन द इनर कॉर्नर एंड सेंटर ऑफ द आई और उसको फिंगर से ब्लेंड करती हूँ. तो येस, आई डिड टेल माई ब्रदर अबाउट द रिलेशनशिप, पर पूरा फ्रेंड वाली कॉन्वर्सेशन नहीं थी. लाइक ऐसे फ्रेंड को जाके बोलते हैं कि हे आई एम डेटिंग समवन, या मतलब वैसी कॉन्वर्सेशन नहीं थी, बड़ी इनडायरेक्ट सी कॉन्वर्सेशन थी. मतलब मैं ना कुमार के बारे में बात करना ज़्यादा स्टार्ट कर दी थी उसके साथ कि ओ तू टर्फ पे खेलने जाता है, अच्छा कुमार भी खेलने जाता है, अच्छा तुझे ये हेल्प चाहिए, वो तुझे ये हेल्प कर देगा. सो इट वॉज अ वेरी इनडायरेक्ट इनिशिएशन ऑफ मी इंट्रोड्यूसिंग हिम मोर एंड मोर इन हिज लाइफ. And I think that went pretty well. They haven't met enough to actually have a bond. क्योंकि माधव की भी, मेरा भाई माधव, उसकी भी बोर्ड एग्जाम्स चल रही थी और कुमार का भी MBA चल रहा था. तो एंड ऑफकोर्स जो पूरा वायरल सिचुएशन है तो दोनों ज़्यादा मिल नहीं पाए. बट एटलीस्ट बोथ ऑफ देम नो अलॉट अबाउट ईच अदर थ्रू मी. मैंने दोनों को काफ़ी बताया. सो दैट्स हाउ आई इनडायरेक्टली टोल्ड हिम दैट दिस पर्सन इज वेरी स्पेशल टू मी. एंड वो भी ही इज ऑल्सो बिग इनफ टू अंडरस्टैंड कि अच्छा ये लोग साथ में है. But this I feel like is a very prominent element of just bringing the eyes up. I do usually like to do eyeliner with it, black eyeliner. ये पतले eyeliners भी बहुत सुंदर लगते हैं.
एंड जस्ट विद दैट द आईज कैन बी डन. इस लुक को और काफी रिवैम्प करा जा सकता है विद लाइक ब्राउन आई शेडो ट्रांजिशन में, और उसके ऊपर शिमरी आई शेडो, उसके ऊपर एक ग्लिटर भी काफी अच्छा लग सकता है. पर वो सारे लुक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगी. एज फॉर लिप्स, बिकॉज आईज काफी न्यूट्रल है, मतलब स्पार्कली है, ग्लिटरी है, बट देयर इज नो स्पेसिफिक कलर टू इट. इस लुक में रेड लिपस्टिक बहुत अच्छी लग सकती है. सो वेरी वेरिएबल, वेरी इजी ब्रीजी लुक. स्किन केयर प्रेजेंट में आई एम यूजिंग टू डिफरेंट मॉइस्चराइजर्स. एज फॉर फेस वॉश, आई एम यूजिंग द डर्मावीव क्लेंजर. आई एम ब्रेकिंग आउट अ लॉट मोर देन यूजुअल, सो फॉर नाउ आई एम यूजिंग दिस बिकॉज इट डज हैव लैक्टिक एसिड व्हिच इज गुड फॉर लाइक एक्ने एंड जस्ट ब्रेकआउट्स इन जनरल. बट आई एम प्लानिंग टू एड मोर स्टेप्स टू द रूटीन इन जनरल बिकॉज आई फील लाइक माई स्किन इज एक्टिंग अप अ लॉट. दिस हैज बीन ऑलवेज हेल्पिंग मी टू गेट थ्रू रफ वेदर टू, क्योंकि अभी यहाँ पे वेदर भी चेंज हो रहा है. सो दिस इज अ होली ग्रेल, यू नो दैट. एंड फॉर मॉइस्चराइजर आई एम मिक्सिंग चिया सीड बाय फेस शॉप, द हाइड्रोक्रेम एंड द यूजुअल न्यूट्रीडम वाइटामिन ई. नाउ चिया सीड हैज बीन हेल्पिंग मी क्लोज माई पोर्स अ लॉट लाइक दैट पर्टिकुलर हाइड्रोक्रेम, एंड आई डू फील लाइक माई पोर्स आर एनलार्जिंग इन जनरल. सो आई एम जस्ट डबल मॉइस्चराइजिंग टुडे टू सेफ गार्ड कि पोर्स में कोई मेकअप ना जा रहा. तो पहले मैं चिया सीड लगा रही हूँ एंड देन टॉपिंग इट ऑफ एट न्यूट्रीडम बिकॉज दैट लाइक सील्स द डील फॉर मी. आई नो कि एप्लीकेशन ऑफ मेकअप एंड अदर प्रोडक्ट्स इन जनरल गोज वेल ऑन इट, एंड ऑफकोर्स आई नो इट कीप्स माई स्किन प्रिटी प्रोटेक्टेड प्लम एंड वेल हाइड्रेटेड थ्रू आउट. बट दिस ट्रायो आई एब्सोल्युटली लव. लेट्स मूव ऑन टू अ फ्यू हेयर स्टाइल्स. अब हेयर के लिए भी मेरे पास दो डिफरेंट आइडियाज ऑप्शन में है. फर्स्ट वन इज अ वेरी इजी ट्विस्ट हेयर स्टाइल जो बहुत ही ऐसी लगती है कि डिफिकल्ट होगी बट इट कैन बी डन इन 30 सेकेंड्स अगेन. एंड सेकेंड वन इज अ लो मेसी बन विच आई थिंक इज द सिग्नेचर स्टाइल ऑफ दैट बोहो गर्ल कृतिका खुराना. शी डज इट द बेस्ट दैट आई हैव एवर सीन ऑन एनीबडी. सो लेट्स स्टार्ट विद द ट्विस्टी फर्स्ट. ओके, फर्स्ट ऐसा स्टार्ट करने के पहले नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज की हैव आई एवर बीन जेलस ऑफ माई सिबलिंग. द आंसर इज येस, एंड लेट मी टेल यू व्हेन एग्जैक्टली आफ्टर द फर्स्ट हेयर स्टाइल. ठीक है, सो फॉर द फर्स्ट हेयर स्टाइल अपने को क्या करना है, सिर्फ आगे से थोड़े बाल लेने हैं एंड वो थोड़े से बाल को पहले ट्विस्ट करना है. फिर यू टेक अनदर सेक्शन एग्जैक्टली उसके नीचे से पहले वाले सेक्शन में डाल के वापस ट्विस्ट करना है. ऐसे करते जाना लाइक देन टेक अ न्यू सेक्शन, ट्विस्ट द हेयर, अनदर न्यू सेक्शन, ट्विस्ट द हेयर. सो बेसिकली इट्स लाइक फ्रेंच ब्रेड की थोड़े थोड़े बाल धीरे धीरे करके लेने होते हैं, लेकिन अपन ब्रेड नहीं कर रहे, सिर्फ ट्विस्ट कर रहे बालों को. एंड विद इन 10 सेकेंड्स आपका एक साइड हो चुका है. इफ यू वॉन्टेड टू बी लिटिल मेसी, आप आगे से थोड़े स्ट्रैंड्स निकाल सकते हो टू फ्रेम द फेस. नाउ यू कैन कीप इट इन इफ यू डोंट लाइक दैट लुक. नाउ सो द टाइम व्हेन आई वाज जेलस ऑफ माय सिबलिंग वाज व्हेन ही वाज जस्ट बॉर्न. दिस एक्चुअली हैड हैपेंड मोर विद माय कजिन सिस्टर बिकॉज मैं तभी और भी छोटी थी. तो तब जब उसको बोला गया था कि मेरी मम्मी उसकी नानी लगती है या ऐसा कुछ, तो वर्ड यूज किया था. आई गॉट सो प्रोटेक्टिव कि नहीं, मेरी मम्मी मेरी नानी है, मेरी मासी है, सब मेरी है, वो किसी और की नहीं हो सकती. ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी फीलिंग तो होती है, बट आई फील लाइक इन दी एंड अगर कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग होती ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती. एंड दैट्स वॉट इवेंचुअली हैपेंड. लाइक आफ्टर दैट वन टाइम आई नेवर एवर हैड दैट थॉट इन माई माइंड बिकॉज हम दोनों को बहुत सारा प्यार मिला है, लाइक हमारे सारे रिलेटिव्स और हमारे दोनों के पेरेंट्स से भी. नाउ द सेकेंड हेयर स्टाइल फॉर द लो बन, इसकी जो आपकी प्रेफर्ड पार्टिंग हो, मुझे साइड पार्टिंग इसमें काफ़ी अच्छी लगती है बिकॉज फिर आगे से थोड़े बैंग्स या थोड़े फ्लिक्स निकलते हैं ना तो वो सुंदर लगते हैं. टेक ऑल ऑफ योर हेयर एंड होल्ड देम एज इफ आपने हाथ से पोनी टेल बांधी है. देन ट्विस्ट योर हेयर एंड जस्ट मेक इट गो अराउंड द इनिशियल पोनी टेल एंड दैट्स इट. आई पर्सनली लाइक ऐसे थोड़े थोड़े बाल निकलते हैं तो, एंड साइड में से भी मुझे थोड़े से फ्लिक्स निकालने पसंद है. नाउ कमिंग टू माई फेवरेट आउटफिट ऑप्शन, नाउ अ फ्यू सिल्वर जो मुझे बहुत पसंद आ रहे हैं इन द ट्रेडिशनल कैटेगरी आर नंबर वन डेनिम एंड कुर्ते. आई नो कि ये बहुत ही कॉलेज टाइप कैजुअल सा लुक देता है बट मुझे वो लुक पसंद आता है. मैं उसमें कंफर्टेबल फील करती हूँ बिकॉज उसमें ना आई फील लाइक वो बॉडी हगिंग ज्यादा होता है, मुझे वैसे कपड़े अच्छे लगते हैं. सो दैट इज माई नंबर वन स्लीवलेस कुर्ते विद डेनिम्स एंड झुमके. वो आई थिंक मोस्टली दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू वेयर. सेकंड ऑप्शन दैट आई हैव बीन एंजॉयिंग अ लॉट आर कोऑर्डिनेट सेट्स. क्वाड सेट्स मतलब नॉर्मल जो अपने सलवार सूट आते हैं जिसकी मैचिंग कलर की पैंट होती है या गोल्डन कलर की पैंट और कुर्ता होता है उसको भी कॉर्ड सेट ही बोलते हैं. बट आई एम एंजॉयिंग मोर ब्लॉक प्रिंटेड थिंग्स जिसमें पैंट भी वही सेम कलर सेम प्रिंट की हो जिसका टॉप हो. एंड द थर्ड थिंग आई कैन वेयर आर वन पीस गाउन्स. वन पीस इज अ वेरी इजी टू स्टाइल क्योंकि उसमें और कुछ दिमाग नहीं लगाना पड़ता. लाइक यू कैन जस्ट एड अ बेसिक दुपट्टा इफ यू वॉन्ट लाइक अ गोल्डन दुपट्टा, अदरवाइज आप उसको एज इट इज भी पहन के जा सकते हो. जूती झुमके वन पीस जस्ट इन दिस यू आर डन. सिल्वर ज्वेलरी बहुत ही अच्छी लगेगी. तो ये दो वन पीस ऑप्शन से एक ग्लोबल देसी सेट जो थोड़ा मॉडर्स्ट सा है, इट हैज लॉन्गेस्ट स्लीव, इट्स
वेरी प्रिटी बिकॉज उसमें बहुत सारे कलर्स है एंड द अदर वन इज स्ट्रैपी स्पेगेटी टाइप जो पर्सनली मेरा स्टाइल है. फिट एंड फ्लेयर है, वेस्ट में से टाइट है, नीचे से थोड़ा लूज है, तो ये पैटर्न भी बहुत अच्छी लगती है लाइक ऑन गुड फेस्टिव ओकेजंस. नाउ कमिंग टू द फाइनल सेगमेंट विच इज गिफ्ट गिविंग आइडियाज. आई मेड श्योर कि जो भी गिफ्टिंग आइडियाज है वो दोनों के लिए एप्लीकेबल हो, लाइक भाई भी बहन को दे सके और बहन भी भाई को दे सके. दीज आर मोर लाइक लास्ट मिनट गिफ्ट आइडियाज जो आप रेडिली भी या तो अमेजोन प्राइम से या नायका से या अपने लोकल स्टोर से ले पाओगे. सो द फर्स्ट आइडिया इज स्किन केयर, और ये आइडिया मुझे आया बिकॉज द मेन इन माई लाइफ हैव स्टार्टेड यूजिंग मोर स्किन केयर. माई डैड एंड कुमार यूज लॉट ऑफ द स्किन केयर, बट आई वाज ऑल्सो फ्रॉम माई स्टैश, सो वी कैन फाइंड आउट लाइक आइडेंटिफाई द स्किन टाइप एंड गिफ्ट देम एक्जैक्टली वॉट इज सूटेड टू देम, वॉट एवर फिट्स द बजट. आई लीव अ लॉट ऑफ डिफरेंट ऑप्शंस. इफ यू वांट टू जस्ट स्टार्ट, लाइक इफ योर बजट इज अंडर 500, देन यू कैन गो इन ब्रांड्स लाइक प्लम. L'Oreal has good choto choto bottles of skincare as well, like 15 ml bottles that come under 500. So Lakme, Pond's, these 3-4 brands, Garnier, these brands come under 500. If you want to make a little bit of a luxury skincare brands like Innisfree, Face Shop, and if you want to go even in more of a luxury, you can go from Clinique, Forest Essentials, Kama Ayurveda. So ye sare brands aap explore kar sakte ho. I live in Mumbai and Nykaa ka delivery usually 1-2 days mein aa jata hai, so you can still try and see when it gets delivered. Second idea that I have is tech related accessories. You can give them phone covers. Now if you know somebody who enjoys colorful stuff, to aajkal phone charms bahut trend mein chal rahe hain, like beaded charms, and if you want to go on a simplistic side, you can give them a really beautiful black, like you know, formal colored silicone case jiski na matte finish hoti hai halki si, wo na bahut acha lagta hai. Even if your phone is a fun color, it can easily conceal it and give it a great look. Alternatively, you can also give them a laptop stand. A laptop stand is something that can help anybody regardless of the gender, especially to improve the posture as well. It personally has made my work easier kyunki laptop elevated ho jata hai na, to ek to mujhe itna jhukna nahi padta, I just have to tilt my head a little bit, aur mujhe kaam mein bhi easy padta hai. So that you can gift your sibling or cousin, brother, sister has a laptop around. If you want to go ekdam luxury in tech, then iPads are starting around 27,000-28,000 rupees. Like I personally own the iPad 7, which was the cheapest iPad available when I purchased it, and it is working really well. Almost ek saal hone aaya, मुझे कोई कंप्लेन नहीं है उससे. आई थिंक मैंने मेमोरी भी सबसे कम वाली ली थी, 32 GB ली थी, सो आई थिंक मेरा 28,000 में आ गया था. तो आप वो भी गिफ्ट कर सकते हो अगर आपको लग्जरी, मतलब वो बजट में अगर आपको कुछ टेक आइटम देना हो तो. नेक्स्ट कैटेगरी स्टेशनरी, एंड स्टेशनरी वापस जेंडर से कोई रिलेटेड नहीं है, इट्स जस्ट पर्सनल चॉइस ऑफ वॉट कलर स्कीम एंड वॉट डिजाइन योर सिबलिंग लाइक्स. यू कैन अंडरस्टैंड वॉट काइंड ऑफ नीड्स दे हैव, लाइक इफ दे राइट अ लॉट, इफ दे हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू पुट डाउन इन अ बुक, यू कैन गिव देम अ बुक विच इज वेरी थिक सो दैट एवरीथिंग इज कंसाइज्ड इन इट. If they like more of fun stationery, more of colorful stationery, you can give them patle bahut sare books. If they don't have that much material to write, you can give them a luxury pen, you can give them a customized pen which has their name or company name engraved on it. This is something jo sab log use karte hai, pen koi bhi use karta hai and books bhi koi bhi use karte hai, to ye aap de sakte ho. Then I have a cliche idea, but again this is something jo na kafi useful hai, like a perfume. Perfume thoda current scenario mein kam use aata hai kyunki hum bahar hi nahi jate, to I don't spray perfume a lot, but in case you want a gift, I wanted to suggest you some good brands. So Bath and Body Works aajkal bahut hi sale pe chalta hai Nykaa pe, so that you can check out for good perfumes. And Nykaa also has good offers on luxury perfumes like Bulgari and Zara, aur brands ka naam to mujhe pata hai nahi because personally I have not invested much in perfumes. Zara has started selling their perfumes online a few months ago, so wo bhi aap le sakte ho. They make some really good fragrances around 1000 rupees ke budget mein, and if your budget is under 300 or under 400 rupees, then Engage is a very very good brand jiski packaging bhi luxurious hoti hai, and at the same time the fragrance ki range bhi kafi achhi hoti hai. So these are a few different brands that you can try out. And the final one I feel is going to be the most super hit idea. It is of food hampers. So food hamper na kaisa hota hai ki aap khud bhi grocery market ja ke bana sakte ho ye. If your cousin, brother or sister is into keeping more fit these days, of course, because we all need to up our immunity, then you can fill it with things like flavored makhana, seeds, cereal which doesn't have a lot of sugar in it, and waise sara healthy bhi aap bana sakte ho, ya to you can go all out and get their favorite childhood snacks just for the sake of nostalgia and memory, like cheese balls and milky bars and jo bhi aap saath mein bachpan mein khate the. Khana kaun nahi khata hai, and I feel 99% Indians are foodies only, so according to your brother or sister you can customize the hamper yourself, and you can also decorate and make it a basket, ya to you could just put it in a fun box and gift wrap it and give it to them. Before we end the video, I wanted to share one photo with you. I'm thinking ki har saal if we do continue making videos around Rakhi, I want to share like one photo with you and share the backstory. So the photo I wanted to show you was this one. I also uploaded this on Instagram. The date was Madhav's birthday. So I think this photo is from his Janoi, if I'm not wrong. I don't remember
कि एग्जैक्टली कौन सा फैमिली फंक्शन था, पर कोई तो फैमिली फंक्शन था. एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं मेजॉरिटी फैमिली फंक्शन सिर्फ उसके वजह से अटेंड करती थी क्योंकि वो मुझे बहुत कंपनी देता था. द थिंग अबाउट माधव इज हीज बीन वेरी मेच्योर सिंस चाइल्डहुड एंड आई थिंक दैट हैज अ लॉट टू गो विद हिज अपब्रिंगिंग ऑफ कोर्स. तो इवन दो 7 साल का डिफरेंस था, मुझे बचपन से ही कभी ऐसा डिफरेंस ऐसा सच लगता नहीं था. अनलेस वी यूज टू गेट इन अ फिजिकल फाइट, हमने एक दूसरे को इतना मारा है कि वी स्टिल हैव मार्क्स ऑन आर बॉडीज फ्रॉम आर बचपन, फ्रॉम वेन वी हिट ईच अदर. बट दीज आर अ फ्यू मेमोरीज दैट आई चेरिश अ लॉट ऑफ अटेंडिंग वेडिंग्स विद हिम, अटेंडिंग फैमिली फंक्शंस विद हिम, जो आई थिंक सारा ही बंद हो गया बिकॉज ऑफ लॉकडाउन. तो आई एम वेटिंग फॉर जब ये सब रिस्टार्ट होगा. वी ऑलवेज कोऑर्डिनेट विद ईच अदर, तू आ रहा है, तू आ रही है, ठीक है तो हम जा रहे हैं, ऐसा हमारे साथ काफी होता था. बट दिस वॉज इट फॉर द राखी वीडियो. आई होप यू एंजॉयड दिस लाइक होलसम गाइड इन जनरल. अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल भी हेल्पफुल लगा तो डू गिव अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. इफ यू डिड नॉट एंजॉय वॉचिंग दिस वीडियो, बिंदास गिव अ थम्स डाउन. बट आई ओनली विश ऑल द सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर यू, योर फैमिली एंड योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ कोर्स. एंड आई होप यू हैव अ ग्रेट राखी. आई विल सी यू इन अ ब्रांड न्यू वीडियो वेरी वेरी सून. अंटिल देन, गुड बाय.